सब्सक्राइब करें फॉरएवर टेक यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स हासिल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम रोबिन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फॉरएवर टेक। और दोस्तों, एक हमारे पास आया जी, एक ग्री का डीसी इन्वर्टर, एयर कंडीशनर है, उसका आउटडोर पीसीबी है, तो बिल्कुल नया पीसीबी है और इस वक्त ये E6 एरर दे रहा है। तो अभी हमने इसको चेक नहीं किया है, तो अभी हम इसको इलेक्ट्रिक दे देंगे और चेक करेंगे कि ये क्यों काम नहीं कर रहा है। तो उसके बाद जो फॉल्ट होगा उसको ठीक करेंगे। तो देखें, ये बिल्कुल फ्रेश पीस है और जहाँ से आया उन्होंने ये कंप्लेन की है कि तकरीबन 1 वीक अगो इन्होंने ये एसी 3 पीस ख़रीदे थे और उनमें से एक में ये मसला आ रहा है। तो अभी ये हम रिपेयर करने के लिए वहाँ से लेके आए हैं, तो अभी आपको हम दिखाएंगे कि इसमें इनके क्या क्या प्रॉब्लम आई हुई है। अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि जब कोई भी यूनिट जो है वो रिपेयरिंग के लिए आता है, तो सबसे पहले जो है वो कस्टमर की कंप्लेन को सुना जाता है कि वो उन्होंने कंप्लेन क्या की है, तो उसके मुताबिक फिर काम किया जाता है। फिर उसके बाद अगला जो स्टेप होता है वो होता है जी, किसी भी यूनिट को खोलने के बाद उसकी जो फिज़िकल सिचुएशन है वो देखी जाती है कि वो फिज़िकली कैसा बिहेव कर रहा है, कैसा उसमें बदलाव आया है। और तीसरी फिर उसकी होती है जी कि उसको टेस्टिंग की जाती है, मीटर्स और इलेक्ट्रिक दे के चेक किया जाता है। तो अब हमारा, चूँकि हमें कंप्लेन ऐसी मिली है कि उन्होंने कहा कि भाई ये चलता है लेकिन E6 एरर देता है, अब यहाँ पे मैं टेस्ट कर लूँगा। चूँकि हमने यूनिट में टेस्ट वहाँ पे नहीं किया हुआ है, सिर्फ लड़का गया था और ये खोल के वहाँ से ले आया यूनिट को, तो अब यहाँ पर हम चेक कर लेंगे, इसके फ्यूज़ को चेक कर लेंगे। तो देखें, यहाँ पे फ्यूज़ वगैरह चेक करेंगे, तो मीटर को कंटिन्यूटी भी हमने सेट कर लिया हुआ है और यहाँ के तमाम फ्यूज़ को हम देख लेंगे। तो यहाँ पे देखें, एक फ्यूज़, ये मेन फ्यूज़ लगा होता है जो कि 15 एम्पेयर्स का है। क्योंकि फिज़िकली मुझे ये यूनिट बिल्कुल, इसमें ऐसा कोई मसला नज़र नहीं आया है, इसलिए हम बारी बारी अब तमाम चीज़ों को टेस्ट करेंगे। तो ये रहा जी इसका फ्यूज़, इसको मैंने चेक कर लिया, ये बिल्कुल प्रॉपर है। इसके बाद एक और फ्यूज़ इसमें लगा होता है, तो वो देखें यहाँ पे है, ये जो ब्राउन कलर का फ्यूज़ है, देखें ये है जी इसका ब्राउन कलर का फ्यूज़, तो ये सीरीज़ में लगा होता है इन कैपेसिटर्स के साथ। तो अगर हम इनके कैपेसिटर्स के साथ कहीं भी चेक कर लें, एक तरफ से इधर और एक डायोड के साथ, तो ये देखें ये बिल्कुल सही आवाज़ आ रही है इसकी, आपको साउंड आ रहा होगा जी, ये यहाँ से भी सही है। और अगर दूसरी लाइन के साथ चेक करें तो दूसरी के साथ भी ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब है कि इसके फ्यूजेस जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। अब चलते हैं जी, इसको इलेक्ट्रिक देते हैं और चेक करते हैं कि ये क्या बिहेव कर रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे जी इसको विदाउट यूनिट के, कि ये ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो उसके बाद इसको मज़ीद जो है वो यूनिट में टेस्ट करेंगे। लेकिन चूँकि हमें कंप्लेन ऐसी है कि ये काम E6 एरर दे रहा है, तो अक्सर अगर यूनिट बिल्कुल जो पीसीबी है वो डेड हो जाए तो फिर भी ये जो है वो काम नहीं करता है। और इसके अलावा अगर ये यूनिट चल रहा है और इसके बावजूद भी ये E6 दे रहा है, तो फिर हमें इसकी मुकम्मल चेकिंग करनी होगी कि इसका फॉल्ट किस जगह पे है। तो इसके लिए हमने पूरा सेटअप लगा दिया यहाँ पे, देखें यहाँ पे जो इसको इलेक्ट्रिक भी दे दिए, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक है। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने सिग्नल्स को चेक करने के लिए मैंने इसको DC जो है वो वोल्टेजेस पे सेट कर दिया और इसकी वायर्स को अपनी जगह सेटिंग कर दिया। और ये कैसे की जाती है, इसके लिए ऑलरेडी हमारी वीडियो मौजूद है कम्युनिकेशन की, तो आप अगर आपको नहीं समझ तो ये वीडियो आप वो देख के इस तरह इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या और चीज़ हो रही है। अभी इसको इलेक्ट्रिक दे देंगे, तो देखें मैंने इलेक्ट्रिक लगाई और इसको ऑन किया और ये देखें जी, ये अपना इसने स्विचिंग भी कर दी है। इसके अलावा आपको यहाँ पे लाइट्स जो हैं वो फ्लैश करती नज़र आ रही होंगी, तो दो लाइट्स जो हैं वो फ्लैश कर रही हैं इस वक्त, देखें ग्रीन और रेड कलर की जो दो लाइट्स हैं ये फ्रेश जो कर रही हैं, और इसने स्विचिंग भी कर ली है। और यहाँ पर देखें, अगर हम सिग्नल्स को देखें तो ये 56 वोल्ट्स जो है वो आउटपुट दिखा रहा है, मतलब कि इसके जो सिग्नल्स हैं निकल रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा कम दिखाना चाहिए था। लेकिन चले देखते हैं फिर इसको अभी यूनिट में चेक करके, तो देखते हैं कि यूनिट में क्या फंक्शन कर रहा है। लेकिन इसका ओरिजिनल यूनिट जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं है, तो अब हम दूसरे यूनिट्स में इसको चेक करेंगे। अब देखें जी, हमारे पास PCB जो है वो इसमें लगा दी हमने यूनिट के अंदर, लेकिन ये इसका अपना मॉडल नहीं है, इसलिए हमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। क्योंकि फाइनल टेस्टिंग जो होती है वो AC के अंदर ही होती है, मीटर से हम चेक कर सकते हैं सब कुछ, लेकिन जो फाइनल टेस्ट है वो आपने AC के अंदर ही इसको करना है कि एक्चुअली वो काम सही प्रॉपरली कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमारे पास ये दूसरा मॉडल पड़ा हुआ है और इससे पहले हमने एक वीडियो चढ़ाई है
वीडियो अपलोड की थी तो उसी का ये मॉडल है। तो देखें इस पर हम ये टेस्ट कर रहे हैं, चूँकि इसका जो यूनिट्स हैं वो हमारे पास मौजूद नहीं है। तो अभी देखें हमने ये सारा कुछ यहाँ पे सिस्टम लगा दिया है, और यहाँ पे देखें फ़ैन जो है हमारे पास, चूँकि यहाँ पे UVW DC फ़ैन है तो इसके लिए हमने यूज़ कर रहे हैं जी शार्प का जो है यूनिट है उसको यूज़ कर रहे हैं, उसका फ़ैन यूज़ कर रहे हैं, और इसके अलावा जो कंप्रेसर वगैरह जो ग्री का अपना है उसी में यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारे सिग्नल्स अभी हम चेक करेंगे और इसको आपको रिपेयर करके दिखाते हैं कि इसमें जो हमने काम किए हैं जितने भी, तो वो अभी आपके साथ शेयर करेंगे। और ये देखें जी, ये इसको हमने ऑन कर दिया है इस वक्त, ये देखें 16 जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर दिखा रहा है। और देखें जी, ये इसका ब्लोअर भी चल गया हुआ है, आपको इस वक्त ये अंदर नज़र आ रहा होगा, देखें ये घूम रहा है। तो ये देखें, तो अभी ये कुछ देर के बाद E6 एरर देगा। इसके अलावा अगर हम इसके सिग्नल्स देखें तो सिग्नल्स भी देखें ये सही दिखा रहा है इस वक्त, ये प्रॉपर है और ये बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो जब हम इनको देखते हैं तो बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कुछ देर वेट करेंगे और आपको दिखाते हैं कि E6 एरर देता है, इसके बाद इसकी रिपेयरिंग शुरू करेंगे। और ये देखें जी, ये E6 जो है वो डिस्प्ले पे शो हो गया है और इस वक्त E6 आ रहा है, देखें। तो अब हम इसको खोल लेते हैं यूनिट को दोबारा से, और फिर इसकी आपको पूरी डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं कि इसमें हमने चेकिंग कैसे की और इसकी रिपेयरिंग कैसे की। अब जी यूनिट को तो हमने खोल लिया है और इसको इसके अब हम टेस्टिंग शुरू करेंगे। और इसकी E6 आने की कुछ वजूहात होती हैं, उस पर ऑलरेडी हमारी वीडियो मौजूद है, अगर आप वो उसने वीडियो आपने नहीं देखी तो आप वो देख लें, तो आपको E6 एरर का वजूहात का जो बड़ी बड़ी वजूहात हैं वो आपको पता चल जाएंगी। लेकिन जब बात करते हैं जी PCB की, तो PCB में ये जब बिल्कुल डेड होता है तो फिर भी E6 आता है। इसके बाद अगर इसमें कोई भी एक कंपोनेंट शॉर्ट सर्किट है, ख़ासतौर पे IPM शॉर्ट सर्किट हो गया, इसका IGBT शॉर्ट सर्किट हो गया, इसका जो फैन मोटर का जो सर्किट है, क्योंकि ये UVW DC मोटर है और इसका सर्किट जो है इसी PCB के ऊपर होता है, तो अगर ये भी शॉर्ट सर्किट हो जाए तो फिर भी ये PCB बिल्कुल डेड रहेगा और आपको जो है वो E6 एरर ही शो करेगा। अब यहाँ पर देखें, सब कुछ चल रहा है, हमने टेस्ट कर लिया हर चीज़, यहाँ पे मैंने भी चेक किया है जी, इसका IPM चेक कर लिया है, और IPM को कैसे टेस्ट करते हैं उसके लिए भी हमारी वीडियो मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं, तो आपको IPM भी टेस्ट करना आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये सारी चीज़ें चेक कर ली हैं, इसकी लाइट्स भी चल रही हैं। तो अब यहाँ पे चूंकि E6 आ रहा है, कम्युनिकेशन एरर आ रहा है, तो इसको चेक करने के लिए हम इसके जो कम्युनिकेशन रिलेटेड जो सर्किट है उसको चेक करेंगे, चूंकि बाकी हम चीज़ें इग्नोर कर देंगे तब तक के जब तक कि हम इस फॉल्ट को फिक्स ना कर लें। लेकिन स्टेप हमारा कहाँ से शुरू होगा, पहला स्टेप हमारा शुरू होगा इसके जो कम्युनिकेशन सर्किट है उसको चेक करना शुरू करेंगे, और उसके बाद हम आगे आगे जाएंगे और पोजीशंस के मुताबिक, यानी कि वो अगर यहाँ पे हमारा सर्किट यानी कि फॉल्ट हमें मिल जाता है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा हो जाएगा और हमारा PCB ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर हमें ये बिल्कुल सब कुछ सही दिखाता है और उसके बावजूद भी ये E6 एरर आ रहा है, तो फिर हम उसको जाते जाएंगे और माइक्रो कंट्रोलर तक इसको चेक करेंगे और बाकी कंपोनेंट्स को चेक करेंगे, तो फिर इस तरह से हम इसका एरर डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अब यहां पे आपको बताते हैं कि जो इसका कम्युनिकेशन जो सर्किट है वो कहां मौजूद है। तो अगर हम PCB को थोड़ा सा कर लें, नज़दीक कर लेते हैं, देखें तो ये जो है इस तरफ ये सारा कम्युनिकेशन सर्किट है, ये जो ब्लैक वायर है ये कम्युनिकेशन की वायर है, और ये जितना भी एरिया आपको नज़र आ रहा है ये सारा कम्युनिकेशन एरिया है, और यहीं से जो कम्युनिकेशन है यानी कि जितने वोल्टेजेस अप एंड डाउन वोल्टेजेस जनरेट होते हैं, और एक ऑप्टोकुपलर सिग्नल लेके आ रहा है और एक सिग्नल लेके जा रहा है, और ये डायरेक्टली फिर जाते हैं जी डायरेक्टली माइक्रो कंट्रोलर को सिग्नल जा रहे होते हैं और ये आपस में बातचीत चल रही होती है इनकी। तो अब हम इसको टेस्ट करेंगे, लेकिन वो टेस्टिंग होगी जी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा काम है, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सब कुछ बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, और मिलते हैं फिर से इस तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो देखते रहें फॉरवर्ड टेक।